share together. बायोपिक के चल रहे इस ट्रेंड में एक और बायोपिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी लेकर आ रहे हैं। उनकी कहानी शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे के ऊपर है। हाल ही में फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया जिसमें नवाज हूबहू बाला ठाकरे की तरह नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं नवाज से कि उन्हें ये कैरेक्टर प्ले करने में कितना मजा आ रहा है। जितना पढ़ सकता था, जितना देख सकता था, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती उतना किया। उससे मुझे यकीन नहीं हुआ था एक्चुअली। मुझे लगा था शायद सर ने बुलाया मुझे, ऐसी बातें हुई हमारी, कोई खास उसके ऊपर बातें नहीं हुई थी। ऐसे चाय पानी पी और बैठे रहे, होटल में थे हम लोग सब। तो सर ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का रोल करना है। तो अंदर से तो मैं दिखा नहीं सकता था खुशी कितनी हो रही, बट मैं बहुत ही डिसिप्लिन में ऐसे बैठा, ओके सर, ओके। बट बाहर जैसे हम होटल से जब मीटिंग करके जब बाहर गए, तो मैं और मेरा भाई, हम लोग अनूप, हम तीन चार लोग थे, तो बस ऐसे हुआ, यस। जैसे आजकल मैं जब घर जाता हूँ तो वाइफ को बोल देता है, ए तो साइड सीधा ही जाता है। तो बाला साहब का इतना असर मेरे पे आ गया, मैं अभी थोड़ा सा मैं अभी डरता नहीं हूँ। बाला साहब का पर्सनैलिटी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी थी, जो बाहर थे वही अंदर थे। ये ऑनेस्टी उनकी पर्सनैलिटी में थी एक्चुअली, एक लाइन में। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।